अगर आपने अब तक इस बुक को परचेस नहीं करा है मार्केट से और आप रेगुलर इस बुक के सभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, बात कड़वी है लेकिन बात काफ़ी हद तक सही और सच है। अगर आप फाइनेंशियल वीक हैं तो कोई बात नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स बनाते चलें, A4 पेज रखें। इसमें जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करके आपको हर एक वीडियो में दिखाता हूँ वो सब आप देखिए और उनको पेन डाउन करिए। लेकिन जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग बुक को मार्केट से परचेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अब वो क्यों परचेस नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आलस, लापरवाही या कंजूसी अगर आप पढ़ाई में दिखा रहे हैं तो मैं केवल यही कहूँगा कि ये तीनों चीज़ें आपके सिलेक्शन के मार्ग पर रुकावट पैदा कर सकती है। थिंक अबाउट इट, मेरी बातों पर विचार जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का संविधान भाग एक, और बुक के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बुक का नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक, आज हम करेंगे संविधान का संक्षिप्त इतिहास क्या था, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान सभा, उसकी उद्देशिका एवं प्रस्तावना के बारे में, विदेशी स्रोत क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी बातों को विदेशों से कॉपी करा है, और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्या कहती हैं, और देशीय रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, कौन सी रियासतें एग्री नहीं थी विलय करने के लिए भारत में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो हम ये सभी टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद में क्या हुआ, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन कर उस पर अपना शिकंजा कसा। तो दो वॉर इम्पॉर्टेंट है जिसके द्वारा हमारा भारतीय संविधान का इतिहास कहना के कनेक्टेड है। पहला क्या है, प्लासी की लड़ाई, सेकंड है आपका बक्सर का युद्ध। तो दोनों युद्ध कब हुए थे वो वर्ड्स आपको याद रखना है। एग्जाम में अधिकतर आपसे कोई भी वॉर पूछता, जैसे पानीपत का पहला वॉर कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तो उसी तरह से अगर बात करी जाए भारतीय संविधान के बारे में तो इस सब्जेक्ट से यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चंस बनते हैं कि किस युद्ध के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी नींव रखी, अपने शासन की नींव स्थापित करी। तो आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था आपका प्लासी की, और आपका क्या हुआ था, 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध, याद रहेगा बिल्कुल। अब देखिए, एक एक्ट था जिसको बोलते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्या कहता है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण, मतलब उस पर कंट्रोल करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। पहला एक्ट सबसे पहले भारत में कौन सा आया था, तो वो आया था 1773। और बस आपको पॉइंट नंबर ए इसमें याद रखना है, और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषता। विशेषता है पॉइंट नंबर वन, केवल इतना ही आपको याद रखना है। देखिए, पॉइंट नंबर वन हमसे कहता है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, क्वेश्चंस यहाँ पे ये पूछता है कि पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो वो है आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। पॉइंट नंबर थ्री में बढ़ते हैं, टू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको थ्री को इसी तरह से आपने हाईलाइट करना है। उसमें लिखिए कलकत्ता में 1774, ये आप हाईलाइट करिए अपनी बुक में। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, कलकत्ता में इस वर्ष में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए क्या था, तो उसका नाम था सर एलिजाह इम्पे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है, तो ये कहता है कि
इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और आपके सेकंड नंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब राजनीति मामलों के लिए हस्तक्षेप करेंगे। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा। जी वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था कौन से चार्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। देखिए क्वेश्चंस बन जाता है अगर आप ब्रांडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं जीके का तो उसमें थोड़ा सा ठहराव लीजिए, एक पॉज लीजिए और प्रैक्टिस करिए कि उसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकता है। जिस दिन ये स्किल्स आपकी डेवलप हो गई तो आपका एग्जाम क्रैक होना डैम श्योर है। जी हाँ, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप बस केवल कट टू कट लाइन पढ़ते रहोगे तो ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ाई, आपको काफी बोर लगेगा कि जीएस से जो आपका 36 का आंकड़ा है वो शायद 38 के आंकड़े में कन्वर्ट हो जाए। तो आंकड़े को कम करना है आपस में तो आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमको स्टडी करनी है। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या कहता है थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। पॉइंट नंबर 1 ही इसमें इंपॉर्टेंट है बस। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। ठीक है, तो व्यापारिक जो भी अधिकार थे वो क्या हो गए, वो पूरी तरह से क्या हो गए, पूर्णतः समाप्त हो गए। उसके बाद में बात करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। पहले क्या था, जो भी हायर रैंक होते थे तो आपस में चाचा भतीजावाद बहुत चलता था, जी ये मेरा भतीजा है इसको लगा, तो अच्छी अच्छी रैंक पर उनके जो संबंधी वगैरह होते थे उन सबको वो अच्छी पोस्ट मिल जाती थी। लेकिन इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, किस 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया, जो भी पद होंगे, जो भी वैकेंसी होगी उसके लिए एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत शासन जो था कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया, उस चार्टर अधिनियम के बारे में बताइए, वो कौन सा अधिनियम था। तो वो था आपका 1858, याद रहेगा आपको 1858, बिल्कुल याद रहेगा और याद रहना भी चाहिए। ठीक है, 1861 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का इसमें विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस ये देखना आप लोग। अब हम बढ़ते हैं 1873 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करा जा सकता था, तो ये था आपका अधिनियम 1873। शाही उपाधि अधिनियम 1876, जी हाँ, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल, जी हाँ 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 में क्या हुआ था, भारत का शासन अधिनियम, उसको आप पढ़ लीजिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की इसमें शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था। और 1909, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 1909 को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक अलग से मतलब प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। कौन से अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। जी हाँ, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई एलडीसी का एग्जाम हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो ग्रेड डी के एग्जाम की, तो वहां पे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 1909 संबंध है किससे, ये है मुस्लिम के लिए अलग से एक चुनाव प्रणाली बनाना, उसके लिए अलग से चुनाव करवाना, मतदान कराना, तो ये सब था आपका मार्ले मिंटो सुधार। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिए इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिकता
प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, उसका नाम बताइए। चार ऑप्शन, चार नाम आपको देगा एग्जाम में, लेकिन आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो, तो ये इसी का नाम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1919 के बारे में। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, तो उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसी व्यक्ति ने ये अधिनियम बनाया था। तो इसमें क्या था, राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी, ये थी 60। एक्चुअली ये अधिनियम था क्या, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद, सेकंड थी हमारा केंद्रीय विधानसभा, दो भागों में डिवाइड करा गया। तो राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल टोटल 5 वर्ष का होता था, जबकि विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 145। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था लियोनेस कार्टियस। अब हम बात करते हैं हस्तांतरित विषय, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, ठीक है, और सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन, ये सब जो क्षेत्र थे, ठीक है, दान आदि। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। और द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा क्या हो गई, समाप्त कर दी। तो कौन से एक्ट के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली का अंत हुआ, तो ये था 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा इसका समाप्त हुआ। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, तो ये कहता है आपका अखिल भारतीय संघ के बारे में बताता है आपको, प्रांतीय स्वतंत्रता के बारे में इसमें डिस्कस करा गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अधिनियम में कितनी धाराएं थीं और कितने परिशिष्ट थे, तो 451 धाराएं थीं और 15 क्या थे इसमें, परिशिष्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, तो इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में केवल एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। पॉइंट नंबर 5, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, ठीक है, किसके पास था, ब्रिटिश संसद के पास में इसका अधिकार था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत किस प्रकार से हुआ, देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, वही मुस्लिम, ये सारी बातें थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया। 8 और 9 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, केवल किसको किससे अलग कर दिया, बर्मा को भारत से इस अधिनियम के अंतर्गत अलग कर दिया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। और इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो टोटल थी इसमें 20 धाराएं, ठीक है। और अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है बोलने की, क्योंकि मुझे स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि इस बुक में पेज बहुत ज़्यादा हैं, अगर एक एक लाइन को अगर मैं आपको आराम आराम से प्रवचन के माध्यम से समझाऊंगा तो इसमें क्या होगा, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और लंबे लंबे वीडियो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो वहीं पर तुरंत वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार खुद पढ़ के देखिए कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद बुक में से पढ़िए, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा, इसमें यह कहा गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में कि पहला जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, इसके बारे में देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी को। कब हुआ था, जुलाई 1946 ईस्वी में। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं
93 जो थी वो भारत के मतलब देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे इसमें, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो न्यूमेरिक है 389, 93 और 4 चीफ कमिश्नर, ये जो न्यूमेरिक पूछता है आपसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछता है, तो आप इसलिए ये न्यूमेरिक याद रखना। लेकिन जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हैं, जो केवल देते हैं एसएससी वगैरह का, डीएसएसबी या फिर रेलवे का एग्जाम, जिनका पे स्केल थोड़ा कम होता है ग्रेड डी या ग्रेड सी, तो वहां पे आपको याद रखना है 389, ठीक है। कुल संख्या कितनी थी 389। उसके बाद हम बात करते हैं मिशन योजना के अंतर्गत। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित करे गए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 स्थान था और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, बस केवल आपको याद रखना है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, 1946 में, कुल संख्या थी 389 और जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ, ठीक है। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ पे हुई थी, काउंसिल, इसको बोलते हैं काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन जाता है, कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई मतलब टेम्परेरी, भाई पहली बार बैठक हुई तो कोई ना कोई तो उस टाइम पे हेड बनाना पड़ेगा ना, किसने सोचा नहीं था कि हेड कौन बनेगा। लेकिन तुरंत मीटिंग हुई, लोग गैदरिंग होने लगी, तो लोगों ने तभी तुरंत डिसाइड करा भाई इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। अस्थाई अध्यक्ष कुछ टाइम के लिए बना दिया डॉक्टर सच्चिदास सिन्हा को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या नाम था, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में परमानेंट कौन बन गए, बाद में बन गए परमानेंट आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं आगे कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। ये एक्चुअली चाहते थे, यहाँ के हैदराबाद में थे निजाम, इनका मानना ये था कि भी मुझे अलग से एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ के निजाम नहीं माने, काफी मिन्नतें करी, जब संविधान बन भी गया लेकिन बीच में बहुत दिक्कतें आई। तो एक्चुअली एक सीरियल था राज्यसभा या लोकसभा में, मैंने आपको बताया था संविधान के नाम से, अब यूट्यूब में सर्च मारना, एक सीरियल है संविधान के नाम से। तो संविधान बनाते समय क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी उस सीरियल में काफी तरीके से बताया गया, आप चाहो तो वो सीरियल देख सकते हो। संडे एज ए अपना एंजॉय डे रखा करो, इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो वगैरह या फिर लेक्चर वगैरह सुना करो। देखिए अब क्या हुआ, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया, ये छोड़ दीजिए आप। अब देखिए प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया, समुदाय मुस्लिम, सिख और साधारण व्यक्ति। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 थे इसमें सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33 और महिला सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी थी, 12 महिलाएं रिजर्व रहेंगी, कितनी रहेंगी, 12। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है, 11 दिसंबर को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, इनमें प्रमुख थे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। बी एन राव, अगला पॉइंट है बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए क्या हुआ, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 324 नियत की गई, और जिसमें 335 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देसी राज्यों के लिए थे। देखिए इसमें एक्चुअली कुछ स्क्रिप्ट कराने के लिए खास नहीं था, तो मैंने कम कम इसमें आपको स्क्रिप्ट कराया है, लेकिन भारतीय संविधान एक्चुअली टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो बुक में दिया गया है तो आप अगर सारा पढ़ सकते हैं सारा पढ़ लीजिए, लेकिन
मैंने जो हाईलाइट करा है काफी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करी है, आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। देश विभाजन वगैरह ये सब हो गया है। देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था क्या, 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 299, प्रांतीय 299, देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या थी 70। अब प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करी। कब करी थी, 21 फरवरी 1948 में। ये जो वर्ड्स है ये पूछा गया यूपीपीएससी जीएस पेपर वन में, ये डेट पूछता है आपसे कई बार, तो आप ये याद रखना। देखिए, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान का दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर, ठीक है, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और बात करते हैं संविधान सभा में संविधान का तीसरा जो वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक ये चला। अब देखिए, कौन किसके अध्यक्ष थे इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। देखिए, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन मतलब भारतीय जो संविधान बना था उस समय उसका संचालन किसने करा था, जो भी रोक टोक होती थी तो कौन ऑर्डर करता था, ऑर्डर ऑर्डर ये वाला ऑर्डर वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रारूप समिति। इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, सारे याद करने हैं आपको, लेकिन ये चीज आपने कभी भी स्किप नहीं करनी है। माइंड में परमानेंट मार्कर से इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है, माइंड में, ठीक है, पेपर पे नहीं, माइंड में। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसमें लगे। और संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है, तब क्या था, इसमें कुल कितने भाग थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324 ये सब जो है आपका अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित किया कर दिया गया, मतलब उसको ऐड कर दिया, जबकि शेष अनुच्छेद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये हुई थी 24 नवंबर 1950। बस ये आपको याद करना है। और साथ में आपको याद रखना है क्या, भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, किसको चुना गया, ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, उसके बाद में यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये है थर्ड पॉइंट, भारतीय संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना। तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको संशोधित करा गया, ठीक है। 42वें संशोधन कब हुआ था, संविधान के 42वें संशोधन 1976 को हुआ था और इसमें ये सारी उद्देशिका के बारे में कहा था कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये सब बातें लिखी गई हैं। तो ये नहीं पूछता आपसे एग्जाम में कि पूरा सेंटेंस बताइए क्या था, लेकिन आपको याद रखना है कौन सा संशोधन था, ये था आपका 42वां। उसके बाद प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। और बेरू बाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बाकी आप देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो कौन कौन से शब्द जोड़ा गया, पहली बात तो ये संविधान संशोधन जो 42वां था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में, और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ऐसे शब्दों को इसमें ऐड करा गया था, ठीक है। और ऊपर का जो एक पॉइंट, मुझे पता है कि ये पॉइंट एक रह गया है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को आप टोटल यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें अपने आप एक बार। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, तो आप अगर वो लाइन अपने मेंस एग्जाम में कहीं मेंशन करते हैं तो आपके एग्जाम में 4 चांद लग सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने एक्चुअली भारतीय संविधान बनाते समय दूसरे देशों से क्या क्या कॉपी करा,
ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। तो लिखित संविधान को दूसरी देशों की जो अच्छाई बातें थी, अच्छी बातें थी, उन सबको हमने अपने भारतीय संविधान में ऐड करा गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से अडोप्ट करे हैं, गोद लिए हैं, धारण करे हैं? तो ये करे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, याद रखना। सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात हमने कौन से देश से लिए हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, हमने यहाँ से इसको कॉपी करा है अपने संविधान में, अपने भारत में हमने ये लागू करा है। हमको नहीं पता था पहले मौलिक अधिकार क्या होता है, तो हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कि यार वास्तव में मौलिक अधिकार की ये सारी बातें हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। महाभियोग भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने हर एक देश से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कॉपी करा है, ठीक है। अगर अपना विकास होता है तो दूसरी चीज, दूसरे किसी इंसान की चीजों को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का संविधान भी कुछ इसी तरीके से बना। ब्रिटेन से हमने लिया है, क्या लिया है? एकल नागरिकता, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एकल नागरिकता आपको याद रखनी है इसमें। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, बस ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है क्या? समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है इसका विभाजन किस शक्ति के आधार पे होगा, ये सारी बातें हमने इसमें ली है। आपातकाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपातकाल हमने कौन से देश से लिया है? तो ये लिया है हमने जर्मनी से। और कनाडा से हमने क्या लिया है? संघ एवं राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट जरूर है कि राज्यपाल की नियुक्ति। रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज मत होना। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल देश है, वो किसी भी देश पे अपना अधिकार कर सकता है, मतलब मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद आपको याद करना है रूस के बारे में कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमने किससे लिया है, तो ये लिया है हमने रूस से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जापान के बारे में आपसे नहीं पूछता है, आपसे पूछता है मैक्सिमम रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ये सब आप याद कर लेना, ठीक है, देख लेना इसको एक बार जरूर। और संविधान संशोधन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संशोधन कौन से देश से हमने अडॉप्ट करा है, धारण करा है? तो ये करा हमने दक्षिण अफ्रीका से। अब देखिए भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्द ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य मतलब 28 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख करा गया है। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? ये केवल है इंट्रोडक्शन से, किसके राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। और संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली एक्चुअली कोई राज्य, ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसका दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ था? इसको प्राप्त हुआ था 69वें संशोधन के द्वारा। द्वितीय अनुसूची में क्या क्या आता है? दूसरी जो अनुसूची है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल के अध्यक्ष, इन सब जो आप देख रहे हैं सामने, इन सब के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का इसमें उल्लेख करा गया है। अगर आपको इनकी पेंशन के बारे में पता करना है तो आपको कौन सी अनुसूची में जाना पड़ेगा? आपको देखनी पड़ेगी दूसरी अनुसूची, ठीक है। तो अनुसूची बहुत सारी थी, इन सब के बारे में आप देख लेना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ये आप अभी पॉज कर लीजिए, यहीं पर पॉज करिए इस वीडियो को, आप पढ़िए एक बार, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है ये सभी इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वह है समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आठवीं, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। देखिए इसमें क्या था, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख करा गया था, और मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में ये बढ़ती गई 1967 में सिंधी को, और 1982 में कोंकणी को, मणिपुर, नेपाली, ये सब भाषाएं आपस में जोड़ दी गई कई बार। लेकिन स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख करा गया है, लेकिन मूल रूप से आठवीं अनुसूची मतलब बेस जो बना था वो बना था उस समय थी इसमें 14 भाषाएं, याद रखना कितनी थी, 14। नौवीं में केवल आप याद करिए अनुसूची में कितने अधिनियम है, 284।
और 11 जनवरी 2007 में संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं, 11वीं, 12वीं। देखिए देशी रियासतों का भारत में विलय। देखिए रियासत को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। तो हैदराबाद वगैरह ये सब जो जूनागढ़ वगैरह था ना, तो इसका आप एक बार देखना यार, वो मैं बच्चों से ही कह रहा हूँ, एक बार वो यूट्यूब में सर्च मारना अभी इस वीडियो के तुरंत बाद ही, ठीक है ना। राज्यसभा या लोकसभा, हाँ राज्यसभा संविधान सीरियल एंटर मारोगे, एक एपिसोड वाइज इसके 12-13 एपिसोड हैं, उसमें आपको संविधान के सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कैसे संविधान बना था, किस किसने अड़चने डाली थी एक्चुअली, कैसे निजाम, जूनागढ़, हैदराबाद बहुत ही ज्यादा मेजर पंगे रहे थे इसमें। तो अब देखना, बड़ा मजा आएगा आपको देखने में, पक्का देखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या हो, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया, ठीक है। पुलिस की कार्रवाई कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी हैदराबाद की रियासत के साथ में, वो नहीं माने तो क्या करा उसके ऊपर, मतलब कि पुलिस लाठीचार्ज उसकी जनता पर करवाया गया, बहुत ज्यादा लहूलुहान हुआ था उस टाइम पे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, देखिए अनुच्छेद 1, 2, 3, तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य है और 7 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 नहीं, अब हो चुके हैं 29, लेटेस्ट कौन सा बना है, तेलंगाना, ठीक है। अब देखिए क्या है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल और सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नया राज्य बन सकता है, राज्य का नाम परिवर्तित हो सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन करा जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 काफी इम्पोर्टेंट है, क्या अनुच्छेद 3 जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना। देखिए नए राज्यों का गठन कब कब हुआ था, ये आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख लेना एक बार, वर्ष तो आपसे बहुत कम ही पूछता है, जो लेटेस्ट बना होगा वो आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए नेहरू पटेल, मतलब कि चाचा नेहरू की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया, ठीक है। समिति की रिपोर्ट के बाद में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाओं ने पोटी श्री रामोलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया और 28वें दिन आमरण अनशन के बाद में इनकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई, रामोलु की मृत्यु हो गई, ठीक है। देखिए रामोलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा करी। एक्चुअली सबसे पहले जो डिमांड आई थी अलग से राज्य बनाने की भाषा के आधार पर, वो था आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा था, आंध्र प्रदेश। देखिए 1953 में इसका गठन हो गया, जिन्होंने ये मांग रखी कि देखिए तेलुगु भाषा हमारी है तो हमको अलग से एक राज्य बना के दो, क्योंकि हमको कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत आती है आपस में, यहाँ मिक्सअप लोग रहते हैं तो आपस में हम लोग अंडरस्टैंडिंग हमारी पावर नहीं बन पाती। तो उन्होंने इस मांग को रखते हुए एक आमरण अनशन रखा, ठीक है, और उसके बाद में इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में ये बात माननी पड़ी सरकार को और गठन हो गया। तो भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल याद रखना इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, एक्चुअली एक पूरा आयोग बनाया गया जिसका काम था राज्यों का पुनर्गठन करना। अगर लगती है कि बात जर्मन है, अलग से राज्य स्थापित होना चाहिए, तो ये आयोग उस पर काम करता था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पाड़ीकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें, देखिए नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां जैसे पांडिचेरी, ये सब जो है स्थान,
भारत को सौंप दिए, मतलब भारत के हवाले कर दिए कि हम ठीक है अपना विलय करने के लिए तैयार हैं। और 28 मई 1956 ईस्वी को संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को क्या किया, गोवा दमन वे द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। और 1 मई 1960 को मराठी गुजराती भाषाओं के बीच में संघर्ष के कारण मुंबई राज्य का बंटवारा हुआ, एक तरफ महाराष्ट्र बना, एक तरफ बना आपका गुजरात। फिर हम बात करते हैं नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित कर 1 दिसंबर 1963 में क्या हुआ, नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब मतलब और हरियाणा दो राज्यों में बंटवारा इनका हो गया। ठीक है, ये सब बातें थी कुछ, इसका बंटवारा कब हुआ, कौन सी इसकी स्थापना हुई थी, वो सब आप ये पढ़ लेना प्लीज। ठीक है, ये छोटी बातें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, वीडियो को अभी यहीं पर पॉज कर दीजिए, पढ़ लीजिए इसको खुद। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य और 9 नवंबर 2000 को बना उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड इसे बोलते हैं हम लोग। और ये यूपी से कितने जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया, तो यूपी के 14 जिलों को काट करके एक उत्तराखंड बनाया गया। कभी कभी यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया, यूपी के कितने जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया, ये क्वेश्चन जीएस पेपर वन में पूछ लेता। तो वो कितने जिले थे, वो थे 14। और 27वां राज्य एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना। 29वां कौन सा बना था, अभी मैंने आपको बताया था। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य है, यहाँ पे 28 लिखा है तो ये गलत है, अब है 29 और 7 संघ राज्य क्षेत्र है, इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा और भी बहुत कुछ, ढेर सारी किताबों के कम्प्लीट वीडियो। इन सबको आप देखिए, डिसाइड करिए सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। अगर सब्सक्राइब करना हो तो उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना मत भूलना, उस पर भी आपको क्लिक जरूर करना है। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पेटीएम के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कुछ पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, जैसे कि रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हमको परचेस करना पड़ता है, एक माइक परचेस करना पड़ता है, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शंस, ये जियो 1 GB से तो एक चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप चाहें अगर आप वर्किंग है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, पीजी में रहते हैं और गुजारा करते हैं बहुत ही कम खाने से, मतलब कि एक आप कंजेस्टेड से एक रूम में रहते हैं पीजी में रेंट पे लेकर के, या आप सिंपल चाय पोहा जो मिलता है मार्केट में 15 रुपये प्लेट के हिसाब से, मतलब अगर आपका हाथ बहुत टाइट है तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कॉन्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी करने की आपने सोचना भी नहीं है। ठीक है, बस केवल पढ़ाई करो, अपना सिलेक्शन लो, उसके बाद में अगर लगे सही कॉन्ट्रीब्यूट करना तो करिए, वरना मत करना। ठीक है, जॉब के बाद भी मत करना तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, एंड बुक परचेस नहीं करिए तो मार्केट से जाके बुक परचेस कर लो, मार्केट अगर पास में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बुक के परचेस करने का लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ऑनलाइन बुक को परचेस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।